इतना पेठा बना रहे हो, कौन है मालिक, कौन है इसका? तो फिर जिम्मेवार बंदा होता है कोई? इसमें कोई जहर डाल दे फिर क्या करेंगे आप? कोई जिम्मेवार सिक्योरिटी नहीं होती फूड की? किसी को बंदे को कह रहे हैं, कोई कैप्स नहीं पहन रखी किसी ने, साफ सफाई नंगे लगे हुए हैं आपके बंदे। पेठा को खाने वाली चीज है क्या? मजाक बना रखा है तूने? आपको पता ही नहीं पानी वाला सैंपल पास भी होना चाहिए जो जिससे जो सारा तैयार करते हो। फेल होगा जैसा तेरा काम है, तू भी फेल होगा। बंदे मारने का तूने ठेका लिया है, आओ यहाँ आके काम करो। हमारा पंजाब रोकता नहीं है आपको, और पंजाब में लोग जो रहते हैं उनको फूड तो इंश्योर किसने करना है? अच्छा म्यारी फूड किसने देना है? तुम्हारे बंदे लगे, देखो इनकी हालत, कच्चे देखो इनके, हाँ देख कैपरिया से दानिया पाइया नहाए हैं कभी? पानी कहाँ से लिया? टंकी वाला है। टंकी वाला सैंपल पास हुआ कभी तक पानी का? सैंपल पास हुआ है? कौन है मालिक, कौन है इसका? ठेकेदार कौन है? काम कौन करता है बताओ उसको। कोई स्टैंडर्ड नहीं पानी का, पर अगर अकेला अकेला पानी बात तेरी का इस दिन अरे यार आखिर रखते हैं नॉन जेल के साथ में सिर पे टोपी क्यों नहीं पाई तुम? कैश क्यों नहीं पहुंचे? तेरे को असर हो रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, सिर पे टोपी क्यों नहीं? अभी भी तेरे को कोई असर नहीं, छाड़ दे ना, छोड़ इसको। कितने यार इतना पेठा बना रहे हो, कौन है मालिक, कौन है इसका? भाई वो तो कोई हो ऐसे ठेका दे दिया, इसका सिक्योरिटी कोई नहीं है? तो फिर जिम्मेवार बंदा होता है कोई? इसमें कोई जहर डाल दे फिर क्या करेंगे आप? कोई जिम्मेवार सिक्योरिटी नहीं होती फूड की? इतना बल्क में बना रहे हो, कोई जिम्मेवार बंदा है कि नहीं? किसी को बंदे को कह रहे हैं, कोई कैप्स नहीं पहन रखी किसी ने, साफ सफाई नंगे लगे हुए हैं आपके बंदे। पेठा को खाने वाली चीज है क्या? मजाक बना रखा है तूने? कहां से हो? यूपी से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अलीगढ़। नाम क्या है आपका? आधार कार्ड दिखाओ, जाओ और हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर को आधार कार्ड की फोटो खिंचवाओ। धर्मिंदर है? धर्मिंदर कुमार। मक्खियां मक्खियां पता है, मालूम है आपको? नहीं पता ना? हाँ पता करो फिर, फूड का काम करते हो। स्कूटर तुम चलाते हो, सीखना और नहीं है। तुम्हें ही सीखना है, जब तुम्हें चलाना है ना तुम्हें ही सीखना। तुमको ही पता होना चाहिए क्या नॉर्म फॉलो करना। हाँ इतने रखे है पेठा। धर्मेंद्र इधर आ जा। आप मुझे ये बताओ पानी कहाँ से लेते हो पेठे के लिए? जो टब कढ़ाई में पानी लिया, टंकी का पानी है, कभी पानी टंकी का साफ कराया और सैंपल टेस्ट करवाया? मतलब तुझे लगता ही नहीं है? नहीं मतलब आपको पता ही नहीं पानी वाला सैंपल पास भी होना चाहिए जो जिससे जो सारा तैयार करते हो, पानी यूज करते हो? कभी फूड सेफ्टी वाले आए आपके पास? पहली बार आए? नहीं पहले कब से काम चलता है यहाँ फोकल पॉइंट पे? जैसा तेरा काम है तू भी फेल होगा। बंदे मारने का तूने ठेका लिया है। मुझे ये बताओ आपको चीजों का क्यों नहीं महसूस होता? आप यूपी से आते हो, आओ हमारे पंजाब में, आओ यहाँ आके काम करो। हमारा पंजाब रोकता नहीं है आपको, पर पंजाब में लोग जो रहते हैं उनको फूड तो इंश्योर किसने करना है? अच्छा म्यारी फूड किसने देना है? किसने देना है? तुम्हारे बंदे लगे, देखो इनकी हालत, कच्चे देखो इनके, आ देख कैपरियां से दानियां पाई हैं, नहाए हैं कभी?
डेली आते हैं, इनकी हालत देख। हाँ बंदा तेरा लगा कैप कहने पाई है, बाल सिर के बिच डिगने, सैंपल लो इन्हों के, इसमें मक्खियां पैदा हुई। क्या क्या बताना, दस दिन होंगे पहले, पहले उससे पहले और बंदा था, मुझे दस दिन हो गया। दस दिन बहुत होते हैं सफाई करने के लिए, सफाई तो तुम कितना, दस महीने चाहिए तुझे, सीजन कितना लगेगा? अभी कटाई बेटा, अभी जा रहे, कहाँ कहाँ सप्लाई करेगा तू, कहाँ कहाँ सप्लाई करेगा पेठा? ये शहर में देता है, शहर में किसको देता है? जो जिसको डिमांड, मैं कहता हूँ तो आपको पता है किस दुकान, किस किस मिठाई वाले को देते हो? तो बोलो बोलो यार, इतना पेठा बनाया किसी को तो देगा, आप खा लोगे? किसको दे दोगे? जिसका भी ऑर्डर आ जाएगा। नहीं बोलो ना, शहर में मिठाई की कौन कौन सी दुकान है जो आपसे लेगा? यार नाम ले ना, नाम इसलिए ज्यादा नॉलेज नहीं है महाराज, अभी बताओ ना किस किसको बेचोगे, हमने उसके भी सैंपल लेने हैं। आप हाँ जे कब का बनाया है सर? ये ताजा है सर। हाँ आप लेट दीजिए, लेट उतने पे लेट बनाते हैं। मामला देखो बड़ा सेंसिटिव है, संवेदनशील मामला है। तो साढ़े जोड़े कमिश्नर फूड एंड ड्रग पंजाब श्री अभिनव त्रिखा जी IAS है, उन्होंने आदेश प्राप्त हुए से सारे जिले से, एक दूजे जिले से जोड़े DO या फूड सेफ्टी अफसर भेजे गए हैं। परपज यही है कि जिले तो बहर जाके चैकिंग करो, भी थानू पता ना हो जिते सैंपल लेने कुछ जहाँ सडनली सरप्राइज विजिट साड़ी हो। सो साडा परपज सिर्फ ये है क्योंकि त्यौहार आ रहे सिर पर, तो त्यौहारा च मठियाइया जड़िया लोगों ने बहुत खरीदनिया तो बेचनिया भी है इन्होंने। तो जोड़ा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है वह कहता है कि जोड़े लोगों म्यारी तो जोड़ा स्टैंडर्ड का फूड जोड़ा मिलना चाहिए, सेफ सुरक्षित म्यारी मिलना चाहिए। सो अज इतने आए हैं तरन तारण मेरी ड्यूटी लगी है, मेरा बेसिकली DHO हुशियारपुर में पोस्टड, तो साडा परपज यही है कि अज इतने पेठे फोकल पॉइंट से खड़े हैं तरन तारण च, पेठे दे जिहड़ी इह प्लांट लाया होया इन्होंने बनाउण दा ते फोकल पॉइंट ते असीं पेठा जिहड़ा आ उहदे सैंपल ले आ। और सब तो वड्डी गल इह आ कि लोकी विचारे पेठा खरीदना छोटे छोटे पैकेट ले जाने आ, बच्चों ने खाने आ, और उन्होंने पता ही नहीं हैगा कि यह बनया कित्थे आ, किदां दे हालातां च बनया आ, कोई जिहड़ियां पैरामीटर भी इन्होंने फॉलो किए आ, कोई पैमाने ते खरे पानी देखो टैंकी दा पानी आ, मैं पुछा पानी कदे टैसट कराया नहीं कराया, लाइसेंस फूड का लिया पता ही नहीं, फूड सेफ्टी लाइसेंस UP दे बंदे हैगे जिहड़े आ के करदे आ प्रवासी। मैं बार बार ये कहना भी सानू किसी स्टेट नाल कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, साडे पंजाब दे जाके बाहर काम करदे आ, बाहर ले आके इत्थे काम करदे, पर कोई म्यार तां कायम रखना पऊगा ना, लोकां दे सारे अपने आ, सारे देशवासी अपने आ, उहनां नूं म्यारी फूड तां देना पऊगा, उह वचनबद्ध है उहदे लई। जे कोई एक्ट बणिया तां एक्ट नूं फॉलो करना पैणा आपां, नहीं तां फिर कानून का तो हाथ बड़ा, कानून बड़ा सख्त है, फिर इदा तो बख्शा नहीं जाऊगा। की सर अणगहली वरती गई सर, अणगहली सर मिली सर? अणगहली मैं दस्या भी एक तो देखो तुम नंगे ही घूमी जाते, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं, उपर छत नंगी है, पता ही नहीं कोई किरलियां चूहे कितों डिगने फिरी जाते हैं, हाइजीन का कोई ध्यान ही नहीं है, क्लीन नहीं है, वर्करा पता ही कख नहीं आ। सो साफ सफाई का दूजा जेडे पानी है पेठा जोड़ा जहाँ बचा हुआ जो वेस्ट मटीरियल आपन च पाया, मखियां थां थां घूम रही। सो जिहड़ा पेठे लई पानी जिहड़ा इस्तेमाल किया जा रहा, मैं पुछया कभी सैंपल पास कराया इहदा, पानी टैसटड है? नहीं, कोई टैसटड नहीं हैगा, पानी जिहदे नाल बन रहा पानी का सैंपल नहीं कभी टैसट किया। सो यह कमियां बहुत वड्डियां है, कमियां ही कमियां है। इत्थे सर किवें वेखदे हो, लंबे समय तों सर इह फैक्ट्रियां चलदे पईआं, इत्थे अधिकारी भी हैगे ने, पर अज तक अधिकारियां ना दे दस्सक दित्ती आ, ते ना इहनां नूं कोई दस्सिआ वी फूड सेफ्टी एक्ट दा जिहड़ा लाइसेंस उह वी अपलाई करना वा? देखो गल यह है ना, ये चीज़ा इंश्योर करनिया चाहिए, जे मैं जिला हुशियारपुर पोस्टड हाँ तो उत्थे लई मैं जवाबदेह हाँ, जे कोई जिस जिले च भी जिहड़ा जिहड़ा ऑफिसर साडे कोई हैगे वो जवाबदेह आ, वो अपना जिम्मेवार आ। मैनू 20 तरीक तो चार्ज दिता, मैं तो उदों तो जरूर अपना जिथे भी जाऊँगा जिस स्पॉट पर जाऊँगा मैं चीज़ा इंश्योर करूँगा कि लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनता है कि नहीं, साफ सफाई किदा, वर्कशॉप किचन च की हाल है, जिहड़े इनग्रीडियंट्स आ, जिहड़ा रॉ मटीरियल वरतदे आ म्यारी है कि नहीं है, जिहड़े वर्कर उहनां दी की हालात है, तो हर चीज़ नूं देखांगा। इत्थे मैं एक चीज़ दसदा, सैंपल भी भर लिया, पानी का भी सैंपल लवेंगे, इत्थे पेठे का लै लिया, और सैंपल जिहड़े कल फूड एंड ड्रग लैब ये साढ़े जिहड़े कल मैं 20 तरीक नूं 5 सैंपल ले ही वख-वख मठियाइयां वालीआं दुकानां तो, अज जिहड़े 2 सैंपल ड्राई फ्रूट दे ले आ पहलां, ते इत्थों 2 सैंपल लै रहे हैं, एक लै लिया एक लै लैणा,
सो पानी टेस्ट करावे फिर पता लगे उन्होंने पता लगे पानी जरूरी है टेस्ट करा कुल मिला के सवेरे फूड एंड ड्रग लैब खरड़ सैंपल चले जाने सैंपल टेस्ट हो जाने भी पच्ची दिन भी दिन च रिपोर्ट आ जानी जि रिजल्ट जो तीन तरह का आना आ सेफ आऊ अनसेफ आऊ जा सब स्टैंडर्ड आऊगा सेफ आऊ तो ठीक है कोई किसी कार्रवाई नहीं होंगी अनसेफ आऊ तो CJM मानयोग अदालत में केस लगेगा जे सब स्टैंडर्ड आऊ तो ADC लगेगा पेनल्टी पेगी उ सो कुल मिला के सख्त कार्रवाई होगी तो बाकी बिल्कुल आप जो मिशन तंदुरुस्त पंजाब लागू करके हटांगे सारे पंजाबी सारे भारतवासी साढ़े अपने हर बंदा अपना है कोई बेगाना नहीं है इंश्योर करके हटांगे।